प्रिज्मैक्स ग्लोबल वेंचर लिमिटेड, सबसे पहले जानना है कि ये करती क्या है। हम आपको बता देते हैं कि ये करती क्या है। अगर लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि इस शेयर का फंडामेंटली, इस स्टॉक का फंडामेंटल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप दूर तक ढूंढ लीजिए कि बड़े से बड़े शेयर धारक जो शेयर मार्केट के धुरंधर हैं, जिनका नाम है, क्या इस स्टॉक को वॉरेन बफेट खरीद सकते हैं, राकेश झुनझुनवाला खरीद सकते हैं, ये मनी कंट्रोल खरीद सकते हैं, ये मोतीलाल ओसवाल खरीदेंगे, ये IIFL खरीदेगी, ये ICICI डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल खरीदेंगे, ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लेंगे इसको, इसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? अब हम आपको बताते हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम है और इस गेम में अगर आप जीते हैं तो आप एक तरह से, ये जुआ है और जुआ में क्या होता है कि अगर जीत लिए तो वहाँ से उठ के चल देना है। मैं आपको हकीकत बता दिया, आगे आपकी मर्ज़ी। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा बहुत इसकी फंडामेंटल का। तो फंडामेंटली इसका क्या है, ये लिस्टिंग हुई थी 400 से ज़्यादा ऊपर पे और 6 महीने में ही नीचे चला आया। 4 रुपया का ये स्टॉक था, लेकिन वो 4 रुपया क्यों गया ये भी आप जान लीजिए कि जब लिस्टिंग हुई थी तो वो 400 रुपया में हुई थी और वो जो भी थे, जो इन्वेस्ट किए थे, बहुत बड़ा गैम्बलर शेयर मार्केट में बैठे हुए हैं, 3 साल कंपनी बनाते हैं और उसके बाद आपको लूट के चल देंगे। अभी ये बहुत जल्द नीचे जाने वाला है। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल जाइए। प्रिज्मैक्स ग्लोबल वेंचर लिमिटेड, ये फाइनेंस का काम करती है, फाइनेंशियल कंपनी है और ये फाइनेंस सेक्टर का है और ये फाइनेंस सेक्टर का कंपनी, आप इससे सावधान रहिए। क्यों? कि ये कभी भी इससे भी बड़े बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं। कंपनी, ये कंपनी आपको कभी भी फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, खरीद बिक्री करने वाले हैं, तो आपके लिए आपका मर्जी। हम ऐसे स्टॉक को लाइक और ना ही एडवाइस करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।